फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए और एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है भगवान बुद्ध से जानिए आप क्या लेना पसंद करोगे, उदासी या मुस्कान। तो दोस्तों, अभी तक हम चलते हैं कहानी की तरफ, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐसी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय। आप क्या लेना पसंद करेंगे, उदासी या मुस्कान। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी, जिस कारण वे बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब गौतम बुद्ध के गांव में आए तो गांव वालों ने बुद्ध को भला बुरा कहा और बद्दुए देने लगे। गौतम बुद्ध गांव वालों की बातें शांति से सुनते रहे और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बददुआएं दे रहे, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है, जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं कर सकता इसका कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझ पर कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा। बुद्ध ने बड़े विनम्रता से कहा, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा। भीड़ में से किसी ने कहा, उस उपहार को व्यक्ति ने अपने पास रख दिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थन हूँ और इसलिए आपकी यह गालियाँ आपके पास ही रह गई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।